मंत्री प्रसाद जन सुनवाई के दौरान दौसा पहुंचे थे, वहीं लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। इसी बीच एक शख्स मंत्री जी के सामने अजीब गरीब समस्या लेकर पहुंच गया। शख्स कहता है कि आपके जिले में शराब इतनी महंगी क्यों मिल रही है, शराबी ठेकेदार प्रिंट रेट से भी ज्यादा दाम वसूल क्यों कर रहे हैं। वहीं शिकायत करने वाले शख्स ने इतना तक कह दिया कि जब दारू के बड़े दाम को लेकर एतराज जताया जाता है तो इससे कहा जाता है कि ऊपर वालों तक पैसा पहुंचाना पड़ता है, और ठेकेदार कहता है कि मंत्री जी के बेटे को भी पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। शख्स की बात सुनकर मंत्री प्रसादी लाल जी गुस्से में आग बबूला हो गए और तुरंत ही आदेश दे दिए कि जिस भी ठेकेदार ने ऐसी बात कही है उसके खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाए। वहीं राजस्थान में आबकारी विभाग अधिकारी लापरवाही की वजह से शराब के ठेकेदार अपनी मन मर्जी चलाते हैं, वहीं शराब की निर्धारित दाम से अधिक दाम वसूलते हैं। जबकि अशोक गहलोत को शराब की बिक्री को लेकर चिंतित दिखाई दिए थे, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे कि रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री नहीं होगी, और अगर शराब की बिक्री के दाम ज्यादा होंगे या तय समय के बाद शराब बिक्री हुई तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में प्रसादी लाल मीणा के सामने शिकायत करने पर अब ये मामला सुर्खियों में आ गया है। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो गया है। इस रिपोर्ट में इतना ही, मैं कृतिका शाह और आप देख रहे हैं CBC News Rajasthan।